टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और मेजबान टीम को शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जीत हासिल कर सीरीज को 3-1 से जीतना चाहेगी। वही आखिरी टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली टीम में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। 5वें टेस्ट मैच में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा के खेलने पर संदेह बना हुआ है। दरअसल रोहित के घुटनों पर 4थे टेस्ट के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वो 5वें दिन वो खेलने के लिए मैदान पर उतरे ही नहीं। उनके जगह मयंक अग्रवाल को केएल राहुल के साथ ओपनिंग का जिम्मा सौंपा जा सकता है, लेकिन अगर रोहित की ठीक हो जाते हैं तो फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी वो लेंगे। वही टीम इंडिया के मध्यक्रम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा का खेलना पक्का है। वही नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली खेलेंगे, लेकिन 5वें नंबर पर खेलने वाले भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को आखिरी टेस्ट मैच में ड्रॉप किया जा सकता है। रहाणे का प्रदर्शन पूरी सीरीज के दौरान काफ़ी खराब रहा है और उनकी जगह कप्तान विराट कोहली सूर्य कुमार यादव को डेब्यू का मौका दे सकते हैं। वही नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह पक्की है। 5वें टेस्ट मैच में गेंदबाजी क्रम में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जडेजा एक बार फिर से एक लौते स्पिनर गेंदबाज तौर पर खेलेंगे। वही उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर की जगह भी पक्की है, लेकिन मोहम्मद सिराज को जरूर ड्रॉप किया जा सकता है। सिराज की जगह एक बार फिर से विराट कोहली मोहम्मद शमी को खिला सकते हैं। शमी चोटिल होने के चलते 4थे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे, हालांकि अब वो फिट हो चुके हैं। 5वें टेस्ट मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार की हो सकती है, जिसमें ओपन करेंगे केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा अगर वो फिट रहते हैं तो, या फिर रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल को मौका दिया जाएगा, जिसके बाद चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह को मौका दिया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।